अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान कुरैशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये है हमारा सेकंड वर्कआउट का डे। आज हम करेंगे ट्रेन बाइसेप्स प्लस लोअर एब्स को। दोस्तों नए जुड़ने वाले लोगों को और जो लोगों ने पहले मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनको बता दूं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है 60 दिन में, जिसका नाम मैंने रखा था रोड टू सिक्स पैक एब्स, जिसमें मैं एम कर रहा था 18% बॉडी फैट को सिंगल डिजिट में लेके आना 60 दिनों में। क्या ये पॉसिबल है, ये सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइज इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी फुल डे ऑफ ईटिंग इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी क्या डाइट रहेगी, अगर मैं चेंज करूंगा तो उसके बारे में भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो मेरी डाइट चल रही है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, फुल डे ऑफ ईटिंग के नाम की वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे दिन भर में मैं क्या खा रहा हूँ फैट लॉस के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मैंने वर्कआउट प्रोटोकॉल और डाइट के बारे में भी बताया कि कैसे कैसे मैंने अपना डाइट प्लान बनाया और कैसे वर्कआउट प्रोटोकॉल वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब ऑलरेडी मेरे चैनल पे फर्स्ट वर्कआउट डे की वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने अपनी बैक ट्रेन की और साथ अपर एब्स को ट्रेन किया। आज हम करेंगे लोअर एब्स और बाइसेप्स को ट्रेन। सो हमारा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल कुछ ऐसा रहने वाला है, मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। डिटेल के लिए थोड़ा सा बता दूं कि आज डे सेकंड है और हम ट्रेन कर रहे हैं बाइसेप प्लस लोअर एब्स। बाइसेप में हम 6 एक्सरसाइजेज करेंगे, हर एक्सरसाइज के 4 सेट होंगे और उसके 10 से 12 रेपिटेशन होगी। इसी तरह से एब्स में हम 2 एक्सरसाइजेज करेंगे लोअर एब्स को टारगेट करने के लिए, लोअर बेली फैट को कम करने के लिए। तो वैसे कम डाइट से ही होगा बेली फैट, एक्सरसाइज तो जस्ट मसल की एक्टिवेशन या मसल की बिल्डिंग में काम आती है, फैट लॉस में एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं होता। सो गाइस इसमें 2 एक्सरसाइज करेंगे, 4 सेट्स हर एक्सरसाइज के होंगे और 20 से 25 के बीच में रेपिटेशन और 20 से 30 के बीच में रेपिटेशन रहेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से मिलते हैं आपको जिम में। चलिए गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, चल के करते हैं बाइसेप का वर्कआउट। सबसे पहले हमने जिम में वार्म अप किया, डायनेमिक स्ट्रेचिंग की, जंपिंग की, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तेज़ की, फ्लो ब्लड का बढ़ाया। अब हम फर्स्ट वार्म अप सेट कर रहे हैं बाइसेप कर्ल पे, खाली बार पे। नाउ इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ मैं रिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट स्ट्रैप का यूज़ किया मैंने, गर्म पट्टी का, यह बेस्ट वे है। नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट बाइसेप कर्ल बारबल पे, 35 kg के साथ 15 kg का बार, 10-10 kg की प्लेट। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फर्स्ट एक्सरसाइज में रेपिटेशन भी बढ़ाएं, सेट को भी बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता वेट को भी बढ़ाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे 6 से 7 सेट हो जाते हैं वार्म अप को इंक्लूड करके। पोजिंग इन बिटवीन यूर एक्सरसाइज द बेस्ट वे ग्रो यूर मसल। अगर आप अपने मसल की ग्रोथ चाहते हैं तो पोजिंग सेट के दरमियान में ज़रूर करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन और बेटर होती है और आप अगली एक्सरसाइज अगला सेट लगाने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाती है। ये मेरा फाइनल वर्किंग सेट है, यहाँ पे वेट है 50 kg। दिस इज़ माय सेकंड एक्सरसाइज प्री चेयर कर्ल, यहाँ पे मैं कर्ल कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की पीक के लिए, बाइसेप की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। उसकी रीज़न ये है कि इसमें चीट नहीं होती है, बॉडी आपकी एक जगह लॉक हो जाती है, जस्ट बाइसेप का जोर लग रहा होता है। सो गाइस इसके भी मैं 4 सेट लूँगा, फर्स्ट सेट लाइट वेट से, सेकंड सेट में हम वेट को इंक्रीज करेंगे, थर्ड में और फोर्थ में और, इसी तरह से वेट इंक्रीज करते जाएंगे। रेपिटेशन हमारे 10 से 12 के बीच रहेंगे, मैं 10 रेपिटेशन टारगेट करता हूँ, एम करता हूँ और 10 ही रैप्स लगाता हूँ। अब देख रहे हैं कि बॉडी एकदम लॉक है, जस्ट बाइसेप की फोर्स से हम इसको लगा रहे हैं। नाउ मैं अभी तैयारी कर रहा था अपने फाइनल सेट की, वेट जितना मैं लिफ्ट कर सकता हूँ सारा डाल दिया है, इनफैक्ट मैंने मशीन पे वेट ही सारी प्लेटें डाल दी। अगेन मैं आपको कहूँगा पोजिंग का, पोजिंग आपकी मसल ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए बहुत बेटर रहती है। आप नई एक्सरसाइज जो लगाने वाले होते हैं उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। यह है मेरी थर्ड एक्सरसाइज डंबल कर्ल। डंबल को हम लगाते हुए सबसे पहले हमारी ग्रिप एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, जब हम कर्ल करेंगे डंबल ऊपर आएगा, थोड़ा सा हमने हमारी रिस्ट को ट्विस्ट करना है, बाहर की तरफ डंबल को मूव करना है, उससे हमारा
इनर बाइसेप अच्छे से टारगेट होगा। ये एक्सरसाइज है इनर बाइसेप की। जब हम डबल फ्रंट डबल बाइसेप पोज करते हैं तो जो बाइसेप मसल नज़र आता है ये उस मसल की एक्टिवेशन के लिए वन ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज है गाइस। ये एक्सरसाइज आप अपने वर्कआउट प्रोटोकॉल में ज़रूर वर्कआउट में ऐड करें, आपको बड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरी बॉडी लॉक है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं ला रहा हूँ, बट मशीन की तरह आप एक दीवार के साथ चिपक के भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज पूरे जिस्म में सारे मसल एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक की मूवमेंट होगी तो दूसरा भी साथ मूव होगा। यह है हमारी फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज डंबल हैम्बर कर्ल। आप हैम्बल कर करते हुए देख रहे हैं कि मेरी डंबल चेस्ट की सेंटर लाइन की तरफ जा रहा है, यह हमारे आउटर बाइसेप्स को टारगेट करेगी। नाउ सेकंड सेट, वेट को इसी तरह से इंक्रीज करता जा रहा हूँ। रैप रेंज अगेन 8 से 12, 10 रेपिटेशन लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ हर सेट में मैं। अगर आप नीज को बेंड करके थोड़ा सा पुश करके एक्सरसाइज लगाते हैं, स्टार्ट के रैप्स में ऐसा बिल्कुल ना करें, लास्ट में आप अपने रेपिटेशन को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये है हमारी फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज। आर्नोल्ड के दौर से ये एक्सरसाइज बेस्ट तरीन मानी जाती है। ये है प्री चेयर कर्ल, अपनी नीज पे ट्राइसेप्स को रख के, आर्म्स को रख के। इसमें भी आप कोशिश ये करें वेट ज़्यादा सिलेक्ट ना करें, बट आपकी बॉडी में मोमेंटम नहीं होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल वे में आपने ये एक्सरसाइज लगानी है। फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज फिनिश हुई, अब हम सिक्स नंबर की एक्सरसाइज कर रहे हैं बाइसेप कंसंट्रेशन कर्ल। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी आर्म्स अपनी थाइज के सेंटर में रख ली है और मैं कर्ल कर रहा हूँ, ऊपर लाकर डंबल को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ, उसकी वजह से आउटर बाइसेप टारगेट हो रहा है। ये आउटर बाइसेप के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जिन लोगों की पीक निकल के नहीं आती, अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता तो इस एक्सरसाइज पे वो अपना मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हैं, अपने बाइसेप की पीक को डिवेलप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मेरे बाइसेप की पीक बनने की रीज़न भी यही एक्सरसाइज कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है बाइसेप की इस तरह की मैसिव पीक निकल के आने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी फाइनल बाइसेप की एक्सरसाइज, सिक्स एक्सरसाइजेज की, फोर सेट्स किए, 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में एम रखा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने वार्म अप किया अच्छे से। गाइस पोजिंग ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसलिए आपको पोज करता हुआ मैं नज़र आता हूँ। बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो गया और मेरी शर्ट का कलर भी चेंज हो गया। रीज़न ये हुई कि जिस दिन मैंने बाइसेप और लोअर एब्स को ट्रेन किया उस दिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, रिकॉर्ड ना करने की वजह से मुझे दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है। सो गाइस ये मैं कर रहा हूँ लेग रेजेस स्ट्रेट बेंच पे, लोअर को टारगेट कर रहा हूँ, इसमें झटका नहीं लगा रहा, कंट्रोल वे में कर रहा हूँ, ऊपर लाकर लोअर को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, नीचे जाते हुए स्ट्रेच करता हूँ। ये लोअर एब्स की लेंथनिंग के लिए, डेफिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। जिन लोगों का लोअर बेली फैट नहीं जाता, स्पेसिफिकली इस लोअर बेली फैट के एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। सो गाइस इसमें मैंने रेपिटेशन 20 से 25 का एम किया था, 20 रेपिटेशन हिट किए। ये हमारे लोअर के लिए सेकंड एक्सरसाइज है, एब्स के लिए वी क्रंचेस। ये लोअर को टारगेट करेगी, अपर को भी टारगेट करेगी। इसको मैं लगा रहा हूँ, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप बेंच के पीछे अपने हाथ से ग्रिप करके लगा सकते हैं, जो बिगनर लोग हैं। कर्ल करते हुए हर बार ब्रीद आउट करता हूँ, मसल्स को स्ट्रेच करता हूँ। ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज एब्स की और बाइसेप की। तो दोस्तों ये था हमारा बाइसेप्स प्लस लोअर एब्स का वर्कआउट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वर्कआउट आपको कैसा लगा। अच्छे से अच्छे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए फैट लॉस में आप इस वर्कआउट को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, Qureshi_fitness के नाम पर मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। कोई क्वेश्चन सजेशन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।